दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके वीडियो के नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब से प्राप्त नहीं होते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। इसके साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल में वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग तक हम पहुंच सके। वे आप भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। दोस्तों रीट लेवल 2019 सामाजिक अध्ययन क्लास 11 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके साथ ही रीट लेवल के जितने वीडियो है वो भी क्लास जितनी भी ली है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्स्ट ग्रेड का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, राजस्थान जीके का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एवं रीड संबंधित अन्य वीडियो जैसे मोटिवेशनल वीडियो भी है और सिलेबस संबंधी वीडियो भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, इसलिए आप जाएँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवश्य देखें। आज हम बात करते हैं दोस्तों रीड लेवल 1 व 2 साइकोलॉजी क्लास नंबर 9 की। 9 नंबर क्लास हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व बुद्धि स्वयंगात्मक बुद्धि। तो दोस्तों जो हम आज जो महत्वपूर्ण 3 टॉपिक को भी बात करेंगे, व्यक्तित्व की, बुद्धि की और स्वयंगात्मक बुद्धि, 3 बुद्धि की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा। तो दोस्तों जो व्यक्तित्व शब्द है, जो पर्सनैलिटी शब्द है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है मखोटा। जो मखोटा हम माथे पे धारण करके रखते हैं, इसका अर्थ ये होगा वह कि जो हमारा चरित्र दुनिया को प्रतीत होता है उसे व्यक्तित्व कहते हैं, उसे हमारा चेहरा कहते हैं, या जो दुनिया हमें महसूस करती है वही व्यक्तित्व है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका कोई दोस्त है, उस आपके दो दोस्त राम व श्याम, आप फिर एक तीसरे दोस्त गोपाल से बात करते हैं कि यार राम जो है शांत व्यक्तित्व है, लेकिन जो राम है वो क्रोधी व्यक्ति है। राम जो है क्रोधी है लेकिन मदद कर देता है, लेकिन श्याम जो शांत है लेकिन मदद नहीं करता। राम है पढ़ाई करता है, श्याम पढ़ाई नहीं करता, वह लिबरल है वह लिबरल नहीं है। तो इस प्रकार का जो हम आप व्यक्तित्व में डिफाइन करते हो, आप जो गोपाल को तीसरे व्यक्तित्व को राम व श्याम के बारे में बता रहे हो, तो आप दो अलग अलग व्यक्तित्व की बारे में बात करते हो, दो अलग अलग व्यक्ति की बात करते हो और दो अलग अलग व्यक्तित्व की बात करते हो। जो व्यक्ति जो आचरण करता है और जो आचरण आपको दिखता है और जिसके बारे में आप बोलते हो उसे ही व्यक्तित्व कहा जाता है। हर व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व होता है, हर इंडिविजुअल अलग होता है और हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने आप को फॉलो करना चाहिए, न कि दूसरे को, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग गुण होते हैं, हर व्यक्ति अलग परिस्थितियों में पला बड़ा होता है, हर व्यक्ति अलग प्रकार की सोच रखता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहे, कोई ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहे। दो अच्छे दोस्त IAS भी बन सकते हैं और दूसरा जो कुली भी रह सकता है। तो एक दोस्त डॉक्टर बन सकता है तो दूसरा इंजीनियर बन सकता है। तो यही चीज़ दोस्तों आपको मैं कोरिलेट करता हूँ आपकी पढ़ाई से। आपकी जो एजुकेशन हो रही है दोस्तों उसको अपने अनुसार करें, किसी की बातों में नहीं आए। आप अपनी एबिलिटी को पहचानें, आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो क्षमताएं हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये आपका स्वयं का डिसीजन होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, प्राचीन समय में बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। तो दोस्तों पहले जो बाह्य गुण जैसे रूप रंग देख के व्यक्तित्व की पहचान की जाती थी, लेकिन अभी नहीं की जाती। वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। तो दोस्तों दोनों चीज़ें मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। पहली तो प्राचीन समय में जो बाह्य रूप रंग था और वर्तमान समय के अंदर जो है इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत हो चुका है। तो बाह्य रूप रंग को देख के पहले ये व्यक्तित्व सिर्फ व्यक्तित्व का यही पैमाना था कि वह ठिंगना है, वह लंबा है, वह काला है, वह गोरा है, वह सांवला है या वह गेहुआ रंग है। इस प्रकार का व्यक्तित्व पहले के समय देखा जाता था, लेकिन वर्तमान के समय वर्तमान में बाह्य व आंतरिक दोनों गुणों को ही व्यक्तित्व माना जाता है। यह माना जाता है कि गोरे होने के साथ गुण भी अच्छे होने चाहिए,
और काले होने के साथ गुण भी अच्छे होने चाहिए, यानी गोरा व्यक्ति अच्छा हो यह कोई ज़रूरी नहीं है और काला व्यक्ति खराब हो यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। काला व्यक्ति अच्छा हो सकता है, गोरा व्यक्ति खराब हो सकता है, या दोनों प्रकार के गुण व्यक्तित्व में पाए जाते हैं, यह वर्तमान में माना जाता है। परिभाषा देखते हैं दोस्तों। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदैहिक आंतरिक बाह्य व्यवस्थाओं का गत्यात्मक यानी परिवर्तनशील दोस्तों, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है, अपूर्व समायोजन यानी पहले से ही समायोजन स्थापित कर लेता है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो दोस्तों वैलेंटाइन है, उसने दो चीज़ें बताई है कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यानी इसने आनुवंशिकता की बात करी है लेकिन साथ में वातावरण की भी बात करी है। आनुवंशिकता ऐसी कि जो व्यक्तित्व में जन्मजात गुण होते हैं उसके आनुवंशिकता के गुण होते हैं जो अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। अर्जित प्रवृत्तियों का योग ये होता है कि व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है व्यक्तित्व है उन परिस्थितियों से जो गुण वह एकत्रित करता है या ग्रहण करता है उसे व्यक्तित्व का योग कहा है। जैसे चोर के साथ रह के चोरी सीखना और किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रह के अच्छे गुणों का निर्माण दोनों करना। आगे देखते हैं दोस्तों, या ये अगली लाइन में देखो, अर्थात व्यक्तित्व पर वंशानुगत एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता यानी क्वालिटी जो है होल क्वालिटी है। अब हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों पश्चात दृष्टि से। क्रेमचर के अनुसार क्रेमचर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। तो दोस्तों जो क्रेमचर है उसने शारीरिक संरचना यानी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, यानी उसने बताया है कि किस किस प्रकार की शारीरिक संरचना के व्यक्ति होते हैं। नंबर एक स्थूलकाय यानी नाट्य व्यक्ति, छोटे व्यक्ति पिकनिक। दूसरा सुडोलकाय खिलाड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति यानी एथलेटिक, जैसे कि उसेन बोल्ट। नंबर तीन क्षणकाय व्यक्ति, दुर्बल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। एस्थेनिक यानी कमजोर व्यक्ति, दुर्बल यानी कमजोर व्यक्ति, नाट्य यानी ठिंगने व्यक्ति, और मिश्रित यानी मिले जुले। डिस्प्लाटिक यानी जो दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के धनी होते हैं उस प्रकार के भी होते हैं। सेल्डन के अनुसार सेल्डन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों सेल्डन ने किस प्रकार का वर्गीकरण किया देखते हैं दोस्तों। गोलाकार एंडोमार्फिक मस्तमोला हंसमुख आराम पसंद। तो दोस्तों गोलाकार व्यक्ति वैसा होता है मस्तमोला हंसमुख आराम पसंद, तभी वो गोलाकार होता है क्योंकि कोई चिंता नहीं होती, खुश रहता है। जो व्यक्ति खुश रहता है उसमें वृद्धि अच्छी होती है, शरीर भी गोल हो जाता है एवं उसकी जो त्वचा का रंग है वो भी अच्छा होता है, सॉफ्ट रहता है, ऐसा माना जाता है। दूसरा लंबाकार व्यक्ति दुखी हैरान परेशान व क्रोधी। तो दोस्तों ये लंबाकार व्यक्ति के बारे में बताया कि वो दुखी रहता है, हैरान परेशान व क्रोधी रहता है। और आयताकार मेसोमार्फिक संतुलित संयमित। तो दोस्तों जो मेसोमार्फिक है वह संतुलित या संयमित होती है। तो दोस्तों भारतीय परंपरा के अंतर्गत यानी जो प्राचीन भारत के अंदर हमारे ऋषि मुनियों व जो ग्रंथों ने बताया है, तो हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष में हमेशा मध्यम आर्ग की संतुलित व्यक्ति संयमित व्यक्ति को सबसे अच्छा व्यक्तित्व माना है। तो दोस्तों हिंदी के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि वीणा के तारों को इतना कठोर ना करो कि वो टूट जाए, वीणा के तारों को इतना कठोर ना करो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि उसमें स्वर निकलना बंद हो जाए। तो दोस्तों ये बात महात्मा बुद्ध ने जब कही थी, जब महात्मा बुद्ध ईश्वर की प्राप्ति के लिए या ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगे हुए थे। दोस्तों ईश्वर की जगह मैं ज्ञान बोलना चाहूँगा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगे हुए थे और उन्होंने अनजल त्याग दिया था और वो बिल्कुल दुर्बल काय हो गए। उस समय एक बालिका जा रही थी खीर का कटोरा लेके और उसने महात्मा बुद्ध को वो खीर खिलाई। जब वो खीर खिलाई तो महात्मा बुद्ध ने यह सोचा कि जो उनका रास्ता है वो बहुत कठोर रास्ता है और कठोर रास्ते पे चलकर कोई चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती, एवं बिल्कुल आराम में भी कोई चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती। आदमी को वो प्रयास करना चाहिए जिससे न तो ज़्यादा कठोर हो और न ज़्यादा आराम हो। तो उसी प्रकार अगर हम चलेंगे तो हम अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए संतुलित व संयमित मध्यम आर्गी व्यक्ति को होना चाहिए।
स्प्रेंगलर के अनुसार, स्प्रेंगलर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों स्प्रेंगलर है उसने भी समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया है और उसने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटे हैं। कौन से 6 भाग हैं हम इसकी चर्चा करते हैं। सिद्धांतिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, कवि, लेखक, दार्शनिक, यानी जो सिद्धांतों को मानते हैं। सिद्धांतों का मानने का मतलब झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, या समय ऑफिस पे समय पे आना, या गैर जरूरी या गैर आवश्यक गैर कानूनी कार्य नहीं करना, यानी जो सिद्धांतों पे चलते हैं, जिनके अपने सिद्धांत होते हैं या जिनको वो फॉलो करते हैं उनके सिद्धांत होते हैं, उन्हें सिद्धांतिक प्रवृत्ति वाले बोलते हैं। नंबर 2 सामाजिक प्रवृत्ति वाले, तो सहानुभूति, दया, सहिष्णुता, यानी समाज एक दूसरे की मदद करता है और जो मदद करता है उसमें सहानुभूति भी होती है, दया भी होती है, सहिष्णुता यानी सभी धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, उसे सामाजिक प्रवृत्ति कहते हैं। नंबर 3 बात करते हैं राजनीतिक प्रवृत्ति की, तो प्रशासनिक व राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल थिंकर्स, तो जो प्रशासनिक व राजनीतिक सोच रखते हैं वो इस प्रकार में आते हैं, क्योंकि जो राजनीति है भारत देश की बात करें तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है मुख्यतः वह पॉलिटिकल, यानी जो हमारी संसद या जो हमारी विधानसभा होती है उसके अधीन होती है। तो देखा जाए तो राजनेताओं के अधीन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसी प्रकार ये माना गया है। सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले, यानी कलाकार, पुजारी, मूर्तिकार व साहित्यकार, ये लोग जो है सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं, इनको सुंदरता की प्रवृत्ति होती है। और जो सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति के होते हैं वो कोई कलाकार बनता है, जैसे कोई संगीतकार बना, कोई एक्टर बना, कोई मूर्तिकार बना, कोई कुछ बना, उस प्रकार के लोग पुजारी, मूर्तिकार, साहित्यकार यानी जो साहित्य लिखता है, जैसे चेतन भगत वगैरह होते हैं। नंबर 3 आर्थिक प्रवृत्ति वाले लोग, जैसे व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति, और धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग, धर्म से संबंधित, काजी, पुजारी, संत, महात्मा, साधु आदि। जुंग के अनुसार, जुंग के द्वारा भी किया गया वर्गीकरण वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि किसका व्यक्तित्व सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो जुंग या युंग का सिद्धांत जो है वह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया है। तो नंबर 1 अंतर्मुखी व्यक्ति, लेखक बनने के लिए, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अंतर्मुखी व्यक्ति वे होते हैं जो अपनी भावनाओं को अपने तक सीमित रखते हैं, अपनी भावनाओं को उजागर नहीं करते, स्वयं चिंतन करते रहते हैं एवं अनर्गल बातों को अवॉइड करते हुए स्वयं के अंदर केंद्रित रहते हैं, उन्हें अंतर्मुखी कहते हैं। 2 नंबर होता है दोस्तों बहिर्मुखी व्यक्ति, नेता व शिक्षक बनने के लिए, तो दोस्तों बहिर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जो अपनी भावनाओं को लोगों के सामने प्रकट करता है, अपनी भावनाओं को छुपा के नहीं रखता, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वह भी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी हैं। तो और नेता जो है आज के समय उनसे बड़ा इसका उदाहरण नहीं हो सकता बहिर्मुखी व्यक्तित्व का। और अंतर्मुखी व्यक्तित्व हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को मान सकते हो आप, जो अपनी भावनाओं में ज़्यादा प्रकट नहीं करते थे। तो दोस्तों ये व्यक्ति का एक नैसर्गिक गुण होता है, इस गुण को हम न तो अप्रिशिएट तो कर सकते हैं लेकिन इसकी हम आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि किसी व्यक्तित्व के कोई गुण होते हैं, वह गुण जैसे व्यक्तित्व होता है वैसे ही गुण होते हैं। तो ये 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। 3 नंबर हम बात करते हैं उभयमुखी या अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मिश्रण, ऐसे व्यक्ति जो आवश्यकता होने पे अंतर्मुखी हो जाते हैं और आवश्यकता होने पे बहिर्मुखी हो जाते हैं, दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के धनी को बहिर्मुखी अभ्यमुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। भारतीय दृष्टिकोण से वर्गीकरण सतोगुणी, रजोगुणी व तमोगुणी, तो दोस्तों भारतीय दृष्टिकोण से 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात करिए। नंबर 1 सतोगुणी, ईश्वर व धर्म में विश्वास रखने वाला, रजोगुणी कर्म में विश्वास रखने वाला, वे तमोगुणी सुख प्राप्ति में। तो दोस्तों हर व्यक्ति के अलग अलग व्यक्तित्व होता है और भारतीय परंपरा के अनुसार इन 3 गुणों को माना गया है। आधुनिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण, तो दोस्तों 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है, एक भाविक, एक कर्मशील, एक विचारशील। तो भावुक वो होता है जो हर बात में भावनाओं में बह जाता है। तो हमारी जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं होती है वो ज़्यादा भावात्मक होती है बजाय पुरुषों के, पुरुष कठोर होते हैं लेकिन महिलाएं इतनी कठोर नहीं होती। महिलाओं जो है भावनात्मक तौर पे बड़ी कोमल प्रवृत्ति की होती है, अतिशीघ्र भावनाओं में बह जाती है, और जो महिलाएं भावनाओं में नहीं बहती वो शायद काफ़ी आगे बढ़ जाती है।
क्योंकि हर जगह भावनाएं उचित नहीं होती और हर जगह कठोरता अनुचित होती है। दोनों प्रकार, फिर मैं मध्यम मार्ग की बात करूंगा कि आवश्यकता पे भावनात्मक होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि भावनाओं में बह के हम स्वयं का नुकसान कर लें। ये भावनात्मकता होती है। नंबर दो होती है कर्मशील, जो कार्य में विश्वास रखता है, जो कर्म में विश्वास रखता है, जो सोचता है मैं जो करूँगा उससे मुझे जो बेनिफिट होगा उसकी बात करता है। और तीसरी बात होती है विचारशील की, जो सिर्फ सोचता रहता है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए लेकिन होता कुछ नहीं है। और कुछ लोग विचारशील होके काफ़ी आगे भी बढ़ जाते हैं। दोनों ही पक्ष होते हैं दोस्तों। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। और उसी प्रकार हर चीज़ के अंदर, जैसे विचारशील हो चाहे कर्मशील हो चाहे भावुक हो, हर चीज़ के अंदर अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के गुण होते हैं और हमें हमेशा बीच में रहना चाहिए। सपोज दैट आप आरएस की तैयारी कर रहे हो या आईएस की तैयारी कर रहे हो और आपको लिख देते हैं भावुकता पे एक लेख लिखिए, तो हम वहाँ भावुकता के पहले पक्ष लिखेंगे, फिर विपक्ष लिखेंगे और फिर उनका सारांश लिखेंगे। तो उसी प्रकार हर चीज़ चलती है, उसी प्रकार हमें उत्तर देना है। उचित व्यक्तित्व होता है स्वयंगी स्तर, जो स्वयं के अनुसार कार्य करता है, स्वयंगात्मक होता है वह उचित प्रकार का व्यक्ति। तो दोस्तों अब देखते हैं सबसे प्राचीन प्रकार सिद्धांत टाइपोलॉजी ग्रीक चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेट्स ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन के अंतर्गत प्रतिपादित किया। इन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को चार भागों में बांटा। नंबर एक कालापित यानी उदास या निराशावादी व्यक्तित्व। नंबर दो पीलापित क्रोधी गुस्से वाला या चिड़चिड़ा व्यक्तित्व। नंबर तीन रक्त प्रदान खुश मिजाज प्रसन्नचित आशावादी व्यक्तित्व। नंबर चार कफ प्रदान विरक्त भाव शून्य आदि प्रकार। तो दोस्तों इन्होंने चार प्रकार जो बताए हैं वो अलग अलग प्रकार के बताए हैं, जिसमें सबसे अच्छा जो प्रकार है वो रक्त प्रदान प्रकार पाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही लेते हैं, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।